हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 15 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। आज की वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए के लिए वीडियो बनानी थी, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है पीआईबी में। ये चार आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ये चारों आर्टिकल हम डेली करंट अफेयर्स में कवर करेंगे 16 जुलाई के। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा छोटी न्यूज है। जैसे इंडिया और डेनमार्क के बीच में हेल्थ एंड मेडिसिन पर कोऑपरेशन के लिए एमओयू साइन किया गया है, तो एक ये न्यूज हो गई। साथ ही साथ इंडिया और रूस के बीच में कोकिंग कोल पर कोऑपरेशन के लिए एमओयू साइन किया गया है, इन दोनों को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। उसके अलावा कैबिनेट द्वारा जो कमीशन स्टेब्लिश किया गया था ओबीसी कमीशन, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ डीएनएस अलाउंस यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो ये चार न्यूज काफी ज्यादा छोटी थी, मैंने सोचा क्यों ना पीआईबी एनालिसिस की बजाय इनको करंट अफेयर्स में लिया जाए। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, कैबिनेट द्वारा, क्योंकि आज की पीआईबी में मोस्टली कैबिनेट डिसीजन ही है। कैबिनेट ने जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर है उसके लिए एक स्पेशल लाइव स्टॉक पैकेज अनाउंस किया है। देखते हैं न्यूज क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के लिए, जो कि 2021-22 से 2026-27 के लिए होगा, अगले 5 वर्षों के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस कर दिया है। ये स्पेशल पैकेज है 9,800 करोड़ का। कितने का? 9,800 करोड़ का 5 वर्षों के लिए ये पैकेज है। पर्पस क्या है? एनिमल हस्बेंड्री डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। और गवर्नमेंट ने ये क्या कहा है, कहा है कि 9,800 लगाकर हम अगले 5 वर्षों में 54,618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में। तो देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। आप 9,800 खर्च करेंगे और इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 54,618 करोड़, 54,618 करोड़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है 9,800 का। इससे अगले 5 वर्षों में इन्वेस्टमेंट कितना आएगा डेयरी सेक्टर में? 54,618 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा सबसे मिला के आएगा। देखिए उसके अलावा कैबिनेट ने क्या किया है, जितनी भी डिपार्टमेंट की स्कीम है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, दूसरी है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट की, और तीसरी है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में सारी स्कीम्स आ जाएंगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। नेशनल गोकुल मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम उसको पढ़ लेते हैं आज। नेशनल गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था। पर्पस था इंडिजिनस ब्रीड को प्रमोट करना। नेशनल गोकुल मिशन के लिए 2025 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। अच्छा, इस मिशन को कौन सी स्कीम के तहत प्रमोट किया जा रहा है? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट NPBBD प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके तहत इंडिजिनस जो ब्रीड है जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपरकर, रेड सिंधी, इन सभी का डेवलपमेंट और कंजर्वेशन किया जाएगा। तो इंडिजिनस ब्रीड के कंजर्वेशन प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 21 गोकुल ग्राम स्टेब्लिश किए जाने हैं, जिसमें से 4 गोकुल ग्राम आपके स्टेब्लिश हो चुके हैं, वाराणसी, मथुरा, पटियाला और फोड़ा जो कि हैदराबाद में है। अभी 17 गोकुल ग्राम आपके और स्टेब्लिश हो रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ही गोपाल रत्न अवार्ड और कामधेनु अवार्ड की घोषणा भी की जाती है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा। चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं पीआईबी का। कैबिनेट द्वारा नेशनल आयुष मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 5 वर्षों के लिए 2021 से 26 तक के लिए। तो कैबिनेट का फिर से एक डिसीजन देख लीजिए। यूनियन कैबिनेट द्वारा नेशनल आयुष मिशन को 2021 से 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है कोविड क्राइसिस को देखते हुए। नेशनल आयुष मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगले 5 वर्षों में यानी 2026 तक इस पर 4,607 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया जाएगा। कितना? 4,607 करोड़ के आसपास खर्च किया जाएगा, जिसमें से सेंट्रल शेयर होगा आपका 3,000 करोड़ और स्टेट शेयर होगा 1,607 करोड़। याद रखिएगा नेशनल आयुष मिशन इसको 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 से 26 तक। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी अगले 5 वर्षों में? 4,607 करोड़। नेशनल आयुष मिशन आपको होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा रन किया जाता है।
आयुर्वेदा को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। नेशनल आयुष मिशन कब लॉन्च किया था? 15 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था, जो आपका 12वां 5-ईयर प्लान था उस दौरान। नेशनल आयुष मिशन के तहत आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया आयुर्वेदा को प्रमोट किया जाता है, जेनेरिक मेडिसिन इनका यूज ना किया जाए, आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज किया जाए, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। अगला कैबिनेट का डिसीजन देखते हैं। कैबिनेट द्वारा जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए अगले 5 वर्षों में एक डिसीजन लिया गया है। ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैबिनेट जुडिशरी को खुश करेगी तभी तो वो अपने काम कर पाएगी, अदरवाइज जुडिशरी जो है अड़ंगा लगाता रहता है। कैबिनेट ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में, तो 2021 से 2026 लगातार तीसरी न्यूज है जिसको 2021 से 2026 तक के लिए कर दिया गया है। पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन थी, जिसको एनुअल हस्बेंड्री के लिए स्पेशल पैकेज था, उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर आपका नेशनल आयुष मिशन था, और अब देख लीजिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी। इसको 5 वर्ष के लिए फर्दर अप्रूव मिल गया है बजट का, कितना? 9000 करोड़ जो है खर्च होंगे इस पर, जिसमें से सेंट्रल शेयर होगा 5357 करोड़। तो देखिएगा जुडिशरी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9000 करोड़ जो है अप्रूव कर दिए हैं, इसमें से 5357 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी अगले 5 वर्षों में। ये जो प्रपोजल अप्रूव किया गया है कैबिनेट द्वारा, इसमें 3800 कोर्ट बनेंगे, जबकि 4000 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सब ऑर्डिनेंट कोर्ट हो, इनकी बात की जा रही है। उसके अलावा कैबिनेट ने क्या किया, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग ग्रांट्स जो है अलाउ की है ग्राम न्यायालय के लिए। अगले 5 वर्ष में ग्राम न्यायालय के लिए 50 करोड़ की ग्रांट जो है अप्रूव की गई है, चाहे वो रिकरिंग नेचर की हो या फिर नॉन रिकरिंग नेचर की हो। मैंने यह आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1993-94 में लॉन्च की गई थी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में। पर्पज क्या था? पर्पज था जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करना। पिछले 20 वर्षों में इस स्कीम पर सिर्फ 3444 करोड़ खर्च किए गए, कितने? 3444 करोड़ खर्च किए गए हैं 2014 तक। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इशारों में ये भी बता दिया कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना केयरलेस थी, और 3444 करोड़ खर्च किया 20 वर्षों में, और देखिए पीएम मोदी ने कितना अनाउंस किया है, 9000 करोड़। तो अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है कि पुरानी सरकारें कितने ज्यादा सीरियस थी जुडिशियल बॉडीज के लिए। ग्राम न्यायालयों की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा। देखिए ग्राम न्यायालय गांव स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर फैसले करते हैं। इनकी स्थापना 18 लाख के वन टाइम ग्रांट के आधार पर की जाती है, बाद में नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको बेयर किया जाता है धीरे धीरे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे डिसाइड किया है कि जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं कोर्ट के उनका 50% बेयर करेगी, लेकिन ये मैक्सिमम 3.2 लाख पर कोर्ट हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो अगर एनुअली ऑपरेशन कर रहा है 1 से 3 वर्ष तक कोई ग्राम न्यायालय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 50% बेयर करेगी रिकरिंग एक्सपेंसेस का, जैसे सैलरी देनी होती है स्टाफ को, कुछ एग्जैक्ट खर्चे हैं उनको बेयर करना सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल तक, स्टार्टिंग के 3 ईयर्स जो है बेयर करेगी, लेकिन मैक्सिमम 3.2 लाख पर कोर्ट होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ मेडिकल डिवाइसेस पर, 5 मेडिकल डिवाइसेस पर जो ट्रेड मार्जिन है वो 70% फिक्स कर दिया गया है। जैसे आपका ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर कोविड क्राइसिस में देखिए ऑक्सीमीटर की वैल्यू है लगभग 150 रुपीज का मिलता है, लेकिन मैंने खुद इसको लगभग 800 रुपए में खरीदा था। तो आप देख पाते हैं ना ट्रेड मार्जिन कितना है, लगभग 600% है ट्रेड मार्जिन। तो आप देख पा रहे होंगे 70% गवर्नमेंट ने जो है 5 प्रोडक्ट पर ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया है। देखिए ये देखिए कोविड पैंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड किया सके, इसके लिए कुछ सर्टेन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर ट्रेड मार्जिन 70% फिक्स कर दिया गया है, यानी आप इससे ज़्यादा ट्रेड मार्जिन नहीं ले सकते हैं। 2019 में NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी 2019 में इसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 2021 तक के लिए ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया था। ट्रेड मार्जिन से अगर आप ऊपर जाते हैं तो उस पर एक पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी लगेगी चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर इंपोर्टर हो। अगर आप MRP से 70% से ऊपर ट्रेड मार्जिन लेते हैं तो आपको वो सारा धन 15% इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, साथ ही साथ 100% की पेनल्टी पड़ेगी। और ये पेनल्टी कौन से रूल के तहत लगाई जाएगी, तो ड्रग्स
प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत लगाई जाएगी। ये जो पांच वस्तुओं के ट्रेड मार्जिन 70% फिक्स किए गए हैं, ये 31 जनवरी 2022 तक एलिजिबल रहेंगे, यानी कि 2022 तक लागू रहेंगे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत आता है। अच्छा, ये NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी काम क्या करता है, जितनी भी इसेंशियल मेडिसिन है उनके प्राइसिंग की निगरानी रखता है आपका NPPA। जो इसेंशियल मेडिसिन है वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की शेड्यूल 1 में आती है, रखिएगा। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जारी करता है, याद रखिएगा। 1996 में पहली बार इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट जारी की गई थी, 279 मेडिसिन इसमें शामिल की गई थी। जो लेटेस्ट इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट थी 2018 में जारी की गई थी, और इसमें 851 प्रोडक्ट से, कितने 851, पहली बार चार मेडिकल डिवाइसेस को इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में शामिल किया गया था। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि सबसे पहले वर्ल्ड में इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट किस कंट्री में बनाई थी, तो तंजानिया ने बनाई थी 1970 में। ये भी पीआईबी में लिखा हुआ था, लेकिन कुछ चीज तो करंट अफेयर्स के लिए भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन है उसका नया नाम होगा नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। तो ये बहुत छोटी सी न्यूज है, आप देख लीजिए। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, इसका नाम हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च कर दिया गया, या कहां पे स्थित है, तो पासीघाट एयरपोर्ट आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश में ना, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट एयरपोर्ट पासीघाट एयरपोर्ट कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पर ये आपका नेशनल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन था, इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, वो आयुर्वेदा में रिसर्च को प्रमोट करता है, यानी आयुर्वेद से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं यहाँ पे किए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है, सिर्फ इंडिया के नहीं तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, चाइना के भी स्टूडेंट्स आते हैं और आयुर्वेदा की फील्ड में रिसर्च करते हैं। तो पासीघाट का जो NEIFM था उसका नाम चेंज करके NEIAFMR कर दिया गया, इतना याद रखिएगा। आयुर्वेदा या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको फोक मेडिसिन भी कहते हैं। देखिए, ये बेसिकली नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, जैसे सोवा रिग्पा एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज वाली मेडिसिन है, तो इसी तरह की सारी मेडिसिन होती है उनको कहते हैं फोक मेडिसिन। WHO ने ये कहा है जो आयुर्वेदा के विषय में कि आपकी नॉलेज और स्किल के साथ साथ प्रैक्टिस का एक कंबाइन समूह होता है आयुर्वेदा। उसके अलावा एशिया, अफ्रीका, इन कंट्रीज में जो 80% जनसंख्या है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ही डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ROSCTL स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा। ये ROSCTL स्कीम क्या है, ये देख लीजिए, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, ये है आपकी ROSCTL स्कीम। इसके तहत वो गवर्नमेंट्स जो रोड टेप स्कीम से छूट गए हैं उन पर लगने वाले टैक्सेस या फिर लेवीज को वापस किया जाएगा सर्टेन इम्पोर्टर्स को। ये ROSCTL स्कीम 31 मार्च 2024 तक अब ये अपनी मतलब अस्तित्व में रहेगी। पर्पस क्या है ROSCTL स्कीम, जो गारमेंट्स होते हैं इंडिया में बनाए जाते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ये ROSCTL स्कीम लॉन्च की थी 2016 में। इसका नाम क्या था, रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज, इसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगने वाले टैक्सेस को केंद्र सरकार वापस कर देती थी। बाद में 2016 के बाद 2019 में ये जो आपकी ROSCL स्कीम है, ROSL स्कीम है, उसको नाम बदल दिया और रख दिया नाम रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। तो 2019 में ROSL स्कीम का नाम बदलकर ROSCTL स्कीम रख दिया गया। इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लेवीज लगते हैं गारमेंट्स पर वो सारे आपके बाद में वेव ऑफ कर दिया जाते हैं टैक्सेस, ताकि इम्पोर्टर को नुकसान, एक्सपोर्टर्स को नुकसान ना हो। लेकिन इनमें सिर्फ वही गारमेंट्स कवर किए जाते हैं जिनको रोड टेप स्कीम में कवर नहीं किया जाता है। और रोड टेप स्कीम क्या है, रोड टेप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम है जिसको 2020 में लॉन्च किया था और इसने रिप्लेस किया था मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, क्योंकि जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी वो WTO रिलेवेंट नहीं थी। WTO का कहना ये था कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते एक्सपोर्ट के लिए, तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देती थी। लेकिन रोड टेप स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी सेंट्रल, स्टेट या लोकल ड्यूटीज लगती थी एक्सपोर्टर्स पर
वो सारी वह वापस कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब कान को इधर से नहीं इधर से घुमा के पकड़ा, बस इतना ही किया और WTO को लगा ये सब ठीक है। अब रोड टेप स्कीम WTO कंप्लायंट है, जबकि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम WTO कंप्लायंट नहीं है, और WTO की बताने की आपको जरूरत नहीं है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।